नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। इस बड़ी बैठक में महामंथन जो है वो सीएम नीतीश द्वारा किया जाएगा। सभी जिला अध्यक्षों प्रमंडल प्रभारियों को इस बैठक में बुलाया है और 850 नेताओं से करीब सीएम नीतीश कुमार मुलाकात करने वाले हैं। दो दिवसीय बैठक जो है वो होनी है। एक बैठक समाप्त हो चुकी है फिलहाल, लेकिन अभी दूसरी बैठक जो है वो कल यानी कि 12 सितंबर को होनी है। बता दें कि ये बैठक काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है। कहा ये जा रहा है कि चुनाव जो आ रहे हैं उसके मद्देनज़र सीएम नीतीश कुमार ने ये बैठक बुलाई है और किस तरीके से ज़मीनी सतह पर काम किया जा रहा है पार्टी द्वारा, उसको भी सीएम नीतीश कुमार उस पर भी मंथन करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव की क्या कुछ तैयारी की जा रही है, ज़मीनी तौर पर क्या तैयारी है, उस पर भी सीएम नीतीश कुमार गौर करेंगे और इसी को लेकर के बड़ी बैठक है। सभी जिला अध्यक्ष प्रमंडल प्रभारी इसमें शामिल हो रहे हैं। करीब 850 नेताओं से मुलाकात सीएम नीतीश खुद 1-to-1 करेंगे। वहीं अगर बात करें इसमें नेताओं के शामिल होने की, तो जेडीयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह, ललन सिंह और वित्त मंत्री विजय चौधरी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। वहीं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और बड़ी बैठक बताई जा रही है क्योंकि जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने पहले ही अनुमान लगाया था कि चुनाव पहले भी हो सकते हैं, समय से पहले चुनाव होने का अंदेशा सीएम नीतीश कुमार ने लगाया था, तो उसको लेकर के सभी तैयारियां जो है वो अच्छी तरीके से की जा रही है। क्योंकि अब ज़्यादा समय अगर बात कर ले तो चुनाव में नहीं है, ऐसे में तैयारियां जोरों पर है और महामंथन सीएम नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा। वहीं अगर बात करें आरजेडी की, तो आरजेडी के तरफ से भी बड़ी बैठक की जा रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी बैठक बुलाई है दो दिवसीय, और इसमें तमाम जो आरजेडी के नेता हैं, विधायक हैं, वो शामिल होंगे। वहीं सीएम नीतीश कुमार सभी 243 विधानसभा सीटों के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके साथ भी मुलाकात करने वाले। तो आरजेडी की तरफ से भी बड़ी बैठक होने वाली है। सीएम नीतीश कुमार भी दो दिवसीय बड़ी बैठक करने वाले हैं, तो इस बैठक को काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है चुनाव से पहले। तो सीएम नीतीश कुमार जो है वो लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो बैठक करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। दो दिवसीय बैठक है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो कल बैठक होती है यानी कि 12 सितंबर को जो बैठक होती है इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल उधर तेजस्वी यादव भी बैठक करें, इधर नीतीश कुमार भी बैठक करें और लोकसभा चुनाव की तैयारियां अब जोरों पर दिखाई दे रही है। दर्श न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।